भाषी को एक सम्मान और एकता का प्रतीक है ये, और हम सभी लोग मिलकर के बड़े हर्ष के साथ माता रानी की सेवा में तत्पर रहते हैं। 33 साल से अशोक चक्र संघ मानव कल्याण जन कल्याण के लिए और सभी की मंगलमय हो हर वर्ष, इस आशा के साथ हम लोग तत्परता के साथ माता जगदम्बा के चरणों में समर्पित होकर के एकता और अखंडता को दिखाते हैं। और चाहूँगा कि हमेशा ऐसा नव वर्ष हो ताकि हम सब हिंदी भाषा भाषी एक साथ मिल करके अशोक चक्र संघ के तत्वाधान में माँ जगदम्बा का सेवा में हम लोग हमेशा अर्पित। तो इलाज से हो रहा है, 2 साल तो कोविड के कारण बहुत पूजा में तो कोई दम थी नहीं, इस साल आज कोविड वोविड को तो माँ भगा दिया, माँ ने भगा दिया। इस साल तो बहुत बहुत अच्छे ढंग से इस साल हम लोग भी पूजा मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस साल में। हाँ, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्र है और बहुत अच्छा लग रहा, माँ का आशीर्वाद है इस साल में कि लोग भी आ रहे हैं और लोग भी पूजा को देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा सा जो असुविधा हो गई है, नहीं लोग पब्लिक में जज्बात तो बहुत अच्छी थी। और आपके क्लब का नाम अशोक चक्र संघ है, इसके देवेंद्र रोड अशोक चक्र संघ। अच्छा, इसका कोई खास मकसद इसके पीछे कोई? जी, अशोक चक्र जो थे सम्राट अशोक हमारे भारतवर्ष के एक बहुत ही जुझारू और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे देश में बहुत कुछ समर्पित किया। तो हम लोगों की श्रद्धा कई वर्षों से रही, इस नाम के लिए कई संघर्ष भी करना पड़ा। स्वर्गीय मानिक माली जी जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने बहुत संघर्ष करके इसके साथ महर्षि देवेंद्र रोड को जोड़ करके और इसकी स्थापना की। अजीत चक्रवर्ती जी, जी। और एक चीज़ मैं आपके मांत्रा न्यूज़ के माध्यम से एक सूचना देना चाहूँगा जन लोगों के लिए कि कोरोना कुछ नहीं था, कोरोना एक चेतावनी था हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम अपना कर्म और धर्म दोनों भूल चुके हैं और हम लोग अपने आप के अंदर एक स्वाभिमान अभिमान हो गया है साइंस के प्रति, डॉक्टर के प्रति। तो परमात्मा जब जब अधर्म होगा, धरती पे पाप होगा, तब तब वह व्यक्ति अवतार लेते हैं और सृष्टि में सत्य का निर्माण करते हैं। तो कोरोना चेतावनी था, इस चेतावनी से हमें डरना है और हमें अपने आदत में, अपने ईर्ष्या में, अपने घमंड में सुधार करना है और अभी भी सतर्क हो जाना है कि हम ऐसा न करें जिससे बार बार कोरोना आए। Personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।